हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने घन, क्यूब और घनाभ, क्यूबॉइड को नापना सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। बब्बन को अपनी दुकान में बेचने के लिए कंपस बॉक्स खरीदने हैं। कंपस बॉक्स घनाभ आकार के हैं। मैं तो केवल ये एक घन क्यूब और एक घनाभ क्यूबॉइड आकार के डिब्बे लाया हूँ। मैं इन दोनों डिब्बों में कितने कंपस बॉक्स ले जा पाऊंगा? बब्बन सोचने लगा। उसके पास गग्गू की दुकान से खरीदे कुछ सेंटीमीटर भुजाओं वाले घन आकार के ब्लॉक्स थे। अरे वाह, मैं इन सेंटीमीटर भुजाओं वाले घन का इस्तेमाल करके पहले एक कंपस बॉक्स का आयतन वॉल्यूम ढूंढ लेता हूँ। उसने कंपस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नाप ली। कंपस बॉक्स की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इस कंपस बॉक्स की लंबाई 8 घनों के बराबर है और इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है या 4 घन के बराबर है। कंपस बॉक्स की एक परत में उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई या 8 × 4 32 घन होंगे। अब अंत में कंपस बॉक्स की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ऐसी 3 घनों की 3 परतों में कुल 32 × 3 या 96 घन होंगे। दूसरे शब्दों में एक कंपस बॉक्स का आयतन वॉल्यूम 96 घनों के बराबर है। अच्छा, तो एक कंपस बॉक्स का आयतन 96 घनों के बराबर है। अब इस घनाभ आकार की डिब्बे की लंबाई है 32 सेंटीमीटर या 32 घनों की लंबाई के बराबर। इसकी चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर या 30 घनों की लंबाई के बराबर। इसका मतलब इस डिब्बे की एक परत में इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई या 32 × 30 960 घन होंगे। इस डिब्बे की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस डिब्बे में 10 घनों की परतें होंगी। इस तरह इस घनाभ आकार के डिब्बे में कुल 960 × 10 9600 घन होंगे। दूसरे शब्दों में इस घनाभ आकार के डिब्बे का आयतन वॉल्यूम 9600 घनों के बराबर है। एक कंपस बॉक्स का आयतन 96 घनों के बराबर है और इस घनाभ आकार के डिब्बे का आयतन है 9600 घनों के बराबर। इसलिए इस डिब्बे में 9600 × 96 100 कंपस बॉक्स भर पाएंगे। बच्चों, अगर बब्बन के घन आकार के डिब्बे की भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन के इस डिब्बे में बब्बन कितने कंपस बॉक्स रख पाएगा? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। ये डिब्बा घन क्यूब आकार का है, इसलिए इसकी पहली परत में बब्बन 12 × 12 144 घन होंगे। इस डिब्बे की ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर है या इस डिब्बे में 12 घनों की परतें होंगी। इसलिए
इस डिब्बे में 144 गुणा 12 1728 घन होंगे। दूसरे शब्दों में इस घन आकार के डिब्बे का आयतन वॉल्यूम 1728 घनों के बराबर है। एक कंपास बॉक्स का आयतन 96 घनों के बराबर है। इसलिए इस घन आकार के डिब्बे में 1728 भाग 96 18 कंपास बॉक्स रख सकते हैं। मैं कुल 118 कंपास बॉक्स इन दोनों डिब्बों में भरकर अपनी दुकान में बेचने के लिए ले जा सकता हूँ। बब्बन ने 118 कंपास बॉक्स उन डिब्बों में भर लिए और गांव की तरफ चल पड़ा। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा घन, क्यूब और घनाभ, क्यूबॉइड को नापने के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे।